नमस्कार, मैं हूं संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपका भाग्य फल बताने आया हूं। आज संवत 2080 चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो कि आज रात 8:08 तक रहेगी। आज 2 अप्रैल मंगलवार का दिन है। आज पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रात 10:48 तक रहेगा। आज परिध योग है, जो कि आज शाम 6:34 तक रहेगा। आज बालवकरण भी है। चंद्रमा का राशि संचार सुबह 4:30 तक धनु राशि में रहेगा। राहु काल आज दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा। यम घंटक काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। शुभ कार्यों के लिए ये दोनों समय वर्जित हैं। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। अब बात करते हैं 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैरियर में नई ऊंचाइयों को लेकर आ रहा है। जिस कार्य को लंबे समय से करने का आप प्रयास कर रहे थे, वो कार्य आज सफल हो सकता है। जो लोग फार्मा या कॉस्मेटिक से जुड़ी कंपनियों की स्टॉकशिप या डीलरशिप लेना चाहते हैं, उनका आज कार्य संपन्न हो सकता है। वृष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा। आज आप वाहन चलाने में सावधानी बरतें। आज आपको किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। दादाजी से किसी धन या संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है। आज व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी एग्जीबिशन में जाने का मौका मिल सकता है। बंदरगाहों तथा एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को आज प्रमोशन की संभावनाएं बनती हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आज आपकी लंबे समय से चली आ रही किसी बीमारी का अंत हो सकता है। आज आप मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। विद्यार्थियों एवं महिलाओं के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन संतान से संबंधित तथा प्रणय संबंधों में नई ऊंचाइयों को लेकर आ रहा है। आज आप अगर किसी के प्रति सीरियस हैं, तो उसे भविष्य के जीवन साथी के रूप में प्रपोज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स तथा अध्यात्म, राजनीति तथा कानून से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। कन्या राशि से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आज जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, उन्हें फाइनली किस स्थान पर रहना है, वो शहर या जगह को फाइनल कर सकते हैं। आज आपको किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मानित भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। केमिकल, हॉस्पिटैलिटी व्यवसाय, होटल इंडस्ट्री तथा एयरलाइन से जुड़े लोगों के लिए आज प्रमोशन की संभावनाएं बनेंगी। अगर आपका कोई छोटा भाई फिल्म, टेलीविजन, कला या नाटक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो आज के दिन उसे नए अवसरों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है। आज आपके शरीर में नई ऊर्जा रहेगी। आपका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। आज आपकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट लग सकता है। आज आपका लकी कलर रेड रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन नई खुशियां एवं उत्साह को लेकर आ रहा है। आज आपका किसी सामाजिक संगठन द्वारा सम्मान किया जा सकता है। आज आपके घर कोई सत्संग जैसा कार्यक्रम भी हो सकता है। आज आप वास्तु या फेंगशुई से संबंधित वस्तुओं को घर पर भी ला सकते हैं। यदि अध्यात्म के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए आप किसी को गुरु बनाना चाहते हैं, तो आज इस कार्य की संभावना भी बनती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सौभाग्य से भरा रहेगा। जीवन में पास्ट में आने वाली समस्याएं आपको मजबूत कर रही हैं। ऑयल, शिपिंग एवं माइनिंग से जुड़े लोगों के लिए आज प्रमोशन के भी योग बनते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शुभ एवं अशुभ दोनों ही प्रभावों को लेकर आ रहा है। आज अपने कार्य क्षेत्र में आप अकारण वाद विवाद से बचें तथा उच्चाधिकारियों से व्यर्थ की बहस ना करें। राजनीति से जुड़े जो लोग नई पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आज का दिन अवॉइड करें। ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े लोगों को आज प्रमोशन तथा इंसेंटिव के योग बनते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का रहेगा। आज आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। आज आप व्यर्थ के पारिवारिक तनाव तथा एंग्जाइटीज से बचें। आज आप अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आज आप सूर्य ग्रह को गंगा जल मिश्रित जल में चावल तथा रोली मिलाकर अर्घ दें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनकर ही काम पर जाएं। भाग्य की बात में आज इतना ही।
आपका दिन आज मंगलमय तथा शुभता से भरा रहे। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।